अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। इस माह की 4 तारीख गढ़ रोड स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल के मामले में खासी महत्वपूर्ण होने जा रही है। मूंछों की लड़ाई बन चुके इस विवाद में चिकित्सकों के शक्ति प्रदर्शन के बाद 4 दिसंबर को अतुल प्रधान का जिला मुख्यालय पर अनशन शुरू होने वाला है। जनसंपर्क कर अनशन में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटे, इसके लिए अतुल प्रधान ने अपनी सारी ताकत लगा दी। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद अब अतुल प्रधान शहर के अलावा गांव में भी जाकर अनशन में शामिल होने की लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने 21 दिन का जो नोटिस न्यूटिमा हॉस्पिटल को जारी किया है उसकी अवधि भी 4 दिसंबर को खत्म हो रही है। इस नोटिस में प्राधिकरण ने स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल के 40% क्षेत्र में किए गए निर्माण को स्वयं हटाने के लिए कहा है। न्यूटिमा ने अभी तक पूर्व में जारी 8 नोटिसों की तरह इस पर भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। मामला विधानसभा में उठने के बाद अब ऐसे में प्राधिकरण के पास कोई ठोस निर्णय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प बचा नहीं है, वह भी तब जबकि प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे अवैध निर्माणों को लेकर अभी तक सख्त रुख अपनाते चले आ रहे हैं। हालांकि न्यूटिमा हॉस्पिटल लॉबी बराबर मंडलायुक्त जिलाधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी है कि प्राधिकरण की कार्रवाई फिलहाल रुक जाए। इसमें यह लॉबी कितना सफल होती है यह 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा। इस बीच सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया पर आकर जो लाइव मैसेज दिया है उसने न सिर्फ न्यूटिमा हॉस्पिटल लॉबी बल्कि भाजपा जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह लाइव मैसेज भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। देखिए, जो ये आज भाजपा के तथाकथित समर्थक साथियों ने मार्च निकाला, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के नाम पर कलंक है। कलंक जो लोग इतना घबरा गए हों, इतने परेशान हों कि भाजपा के नेताओं की गोद में जाकर बैठ गए। अरे आप सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, इन लुटेरे सारे डॉक्टर लुटेरे नहीं है, सारे अस्पताल खराब नहीं है, IMA खराब नहीं है, लेकिन जो कुछ लुटेरे लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में 100-100 करोड़ की संपत्तियां बनाई हैं, अरे चोरों डाकुओं गरीब लोगों का खून चूसकर, किसान मजदूरों के खून को चूसकर तुम लोगों ने यह संपत्ति इकट्ठा की है। अरे जब शीशे के सामने खड़े होते होगे, आईने के सामने, या जब किसी से आंख मिलाते होगे कि तो तुम्हें लज्जा नहीं आती होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन तुम्हारी वो शर्म मर गई है। एक जेबी चिकारा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, लेकिन डॉक्टर साहब बताओ तुमने ये अस्पताल 10 सालों में कहां से बना लिया? क्या घर से लेकर आए थे कुछ? ये संपत्ति कहां से इकट्ठा कर ली तुमने? और ये जेबी चिकारा डॉक्टर अभी सिवाल खास से भाजपा के टिकट मांग रहे थे, अभी सीमा के सामने मेयर का टिकट मांग रहे थे हमारी पत्नी के सामने। तुम राजनीतिक नहीं हो, तुम बिन राजनीति के करते घूम रहे हो। और ये जितने लोग हैं ये सब के सब, आप बताइए न्यूट्रिमा में ये सब लोग नहीं बताते, कहते कि सांसद का पैसा लगा है, सांसद का एक साथी उसमें कैंटीन चलाता है। अरे अतुल प्रधान का भी साझा है किसी अस्पताल में, या अतुल प्रधान ने किसी से तुमसे चंदा पानी एक्सटोर्शन ले रखा है? और तुम जैसे लोग जो समाज में कलंक हो एक तरीके से, ये पूरे मेरठ नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं। अतुल प्रधान की भी जांच हो कि मेरे पास कितनी धन संपदा है, कितना मैंने पैसा बनाया इस राजनीति से। और इन लुटेरों की भी जो बोल रहे थे माइक पर चढ़ चढ़ कर, भाजपा के नेता हैं ये, और भाजपा के नेताओं की भी, इनकी ऐसे तथा कथित डॉक्टर्स की, अरे डॉक्टर नाम भगवान का, डॉक्टर नाम सम्मान का, डॉक्टर नाम प्यार का, डॉक्टर नाम प्यार देने वाले का, तुम जैसे लोग नहीं होते वो। प्रीमा की जांच चल रही है, 20 बेड पर 100 बेड अस्पताल चला रहे,
भगवान ना करे आग लग जाए, कोई घटना वहां पर घट जाए तो बेसमेंट में जलकर मर जाए लोग। वो पार्किंग का स्थल जिसमें पार्किंग होनी चाहिए, इन लुटेरे लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है 10 साल से। जब इनकी शिकायत एमडीए में हुई है, एमडीए से नोटिस पहुंचा है, तो खलबलाहट है बेईमानों में। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला इतना गर्म हो चला है कि इस पर कोई भी सरकारी अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। छोटी छोटी बातों पर बाइट देने वाले नौकरशाहों को इस मामले पर सवाल पूछते सांप सूख जा रहा है। नेटिमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उनका साफ कहना है कि वह इस मामले में कोई बाइट नहीं देंगे। अब सभी की नजर 4 दिसंबर पर लग गई है। बनी रहेगी हमारी बराबर इस मुद्दे पर नजर। आप जुड़े रहिए फर्स्ट बाइट.tv के साथ। नमस्कार।